हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। सो आज से हम HTML शुरू करने वाले हैं। ओके, HTML में आप कुछ देखेंगे, मैं आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म बना के बताने वाला हूँ। ओके, सो हमने कई बार HTML में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है कि हमें बेसिक्स तो पता चल जाते हैं बट हमें कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि HTML में प्रोजेक्ट होते हैं। और मैंने भी कुछ सर्च किया यूट्यूब पे, बट मुझे कुछ प्रॉपर मिला नहीं। आई थॉट यार ये एक अच्छा टॉपिक है। मैंने जो चीज़ सीखी हुई अब तक वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो बींग एन अ डिज़ाइनर, जहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कोड भी सीखूँ, पहले से मुझे आता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बेसिक से कुछ कम से कम नहीं तो 10 प्रोजेक्ट में बनाता हूँ HTML में, जहाँ पर अलग अलग लगी जैसे फॉर्म का है। फॉर्म के और भी 2-3 वीडियोस आएंगे, फिर टेबल के आएंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको HTML पता होगा ना, CSS लिखने में मज़ा आता है। आपको HTML पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्म होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका नाम हो गया। लाइक माई सेल्फ अहमद के एज 24। ईमेल आईडी आपने देखा पहले वहाँ पर 1000 आ रहा था। वो इसके लिए आ रहा था क्योंकि मैंने इसको कंपलसरी रखा हुआ है। ये आपको यहाँ पर ही पता चलेगा कि वो आपको मैंडेटरी कहाँ से रखना है। एंड देन आप यहाँ पर पासवर्ड देख सकते हैं। सारी चीज़ को मैंने रीसेट कर दिया था। अभी आप फाइल यहाँ से ले सकते हो, जो चाहिए आप यहाँ पर फाइल आप चूज़ करें, फाइल आ जाएगी। आपको कलर पिकर से कलर लेना ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों का यूजेस में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने हिडन करके बनाया हुआ है। ये आप रेडियो बटन्स देख सकते हैं। ये रेंज आई एम श्योर आपने कई बार देखा होगा। काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। ये आपके चेक बॉक्सेस हो गए, देखिए, और ये सबमिट, ये रिसेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। आई एम श्योर हम इसे बनाएंगे, वो काफ़ी बेस्ट तरीके से चीज़ों को हम सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ये जो फॉर्म मैंने आपको जो दिखाया अभी, इनको मैंने ऑलरेडी इनको कोड करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। फॉर्म नाम का मैंने फोल्डर पर क्लिक किया। एंड देन उसके अंदर मैं एक फाइल, न्यू फाइल बना लेता हूँ, आराम से सीखेंगे। चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अगर आप शिफ्ट शिफ्ट और 1 क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा बॉयलर कोड, और आपको एंटर मारते हैं। हम टाइटल दे देते हैं फॉर्म HTML करके। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, हम फॉर्म को काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। ये एक प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है कि अब बस हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली और पता नहीं है। मैं आपको ये एक्चुअल जो चीज़ें मैंने जो सीखी हुई हैं, जिस तरीके मैं मेरे डिज़ाइन को कन्वर्ट करता हूँ कोड में, वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप फिग्मा के थ्रू किस तरीके से डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करते हो, प्लस इसके लिए मुझे आपको स्टार्टिंग से लेके जाना होगा। बट मुझे कोई आपको ये नहीं बताना है कि लाइक टैग नॉर्मल चीज़ें, आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी उसकी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक इसका एक कंप्लीट जो है 10 मॉड्यूल का जो है HTML का एक मैं प्रोजेक्ट ही बना दूँ। ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर रहे। तो हम फॉर्म बनाने वाले हैं। तो फॉर्म टैग होते हैं हमारे पास, इसमें सारी चीज़ें आपको स्मॉल में लिखनी है। मैंने फॉर्म लिखा, मैंने एंटर मार दिया, देखिए सारी चीज़ें आ गई। मैं इसको और प्रॉपर कर लेता हूँ, मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये एक्शन को आप जाने दें, ये एक्शन क्या होता है। अगर आप इसे निकाल भी देते हैं तो नो इशू, बट निकाले नहीं, मैं आपको इसका भी इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा। ताकि बेस्ट है। अभी आपको देखना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटर योर डिटेल्स, ये एक हेडिंग हो गई। आपको H2 ले लें, आप एंटर मार दें। यहाँ से मैं डिटेल ले लेता हूँ, देखिए H2 आ गया मेरा। अब मैं इसे रन कर रन टाइम में भी दिखा देता हूँ। देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर, ये आपको पता ही होगा, ये लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है, आपको डाउनलोड करना होता है यहाँ से।
मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि रियल टाइम में वो चीज़ें कैसे दिख रही है। ओके ये देखिए आ गया हुआ है। ओके बेस्ट एग्जैक्टली ये वन होगा। ओके चलो हम इसे वन बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए बना, मैंने यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ओके ये देखिए अभी आप देखना लेबल्स। ओके ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये जो नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम इज एवरीथिंग, ये लेबल्स है लेबल्स। और जहाँ पर आप टाइप करोगे ये इनपुट्स होते हैं। ओके तो आपको लेबल्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके ये भी एक टैग होता है, कुछ नहीं सिर्फ आपको लेबल लिखना है। ओके ऑप्शन भी दे रहा है आपको वो देखिए दैट्स इट। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको पीएचडी जैसा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम। ओके देखिए फर्स्ट नेम में, ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया मेरा। अभी मुझे इनपुट यहाँ पर ओके अब यहाँ पर एक इनपुट टैग देना है। देखिए इनपुट। ओके अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ओके इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पर आईडी एंटर मार देंगे आपको ये आ जाएगा। ओके आईडी आने के बाद आप यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखेंगे, ये आ गया। फिर स्पेस आपको कर देना है। अभी आप देखिए फॉर और आईडी ये हमेशा सेम रहेंगे। ओके फॉर और आईडी में जो भी आप वैल्यूज पुट करोगे ये हमेशा सेम ही रहेंगे। ये क्यों सेम रहेंगे मैं ये आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ओके अभी इसको हम देखते हैं रन टाइम में कैसा दिख रहा है। ये देखिए एग्जैक्ट आ गया। ओके लेबल ये वो चीज़ होती है जो हमें लेबल लगाना होता है। ओके हमें बताना होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इसके लिए है, लाइक फर्स्ट नेम के लिए। ओके इसी तरीके से मैं इन सबको कॉपी कर लूँगा। एक बार मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। देखिए फर्स्ट नेम है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट नेम। देखिए लास्ट नेम फिर क्या होता है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, सॉरी मिडल नेम। ओके ये रहा मेरा मिडल नेम। ओके एंड देन ये कह रहा एज, मैं एज से रिप्लेस कर दे रहा हूँ इसको। कोई नहीं मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन। ओके मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को पहले बना लूँ। एज तक एज हो गया, ये मेरी हो गई ईमेल आईडी। टफ नहीं है, बहुत इजी है। ओके बट मैं आपको कोई बेसिक से चीज़ें लेके नहीं जाना चाहता बेसिक, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपने देखी होंगे। ओके चलो ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम एज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अभी आपने कहा सर आपने तो बताया था कि जो फर्स्ट नेम और फॉर आईडी ये सेम होना चाहिए, बट इनके केस में तो सेम नहीं है। तो हाँ जी इसको भी आपको सेम करना है। ओके ये देखिए ये मेरा लास्ट नेम हो गया। ओके यहाँ पर ला के आप इसको सेम कर लें, ये एक प्रैक्टिस है। ओके जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओके चीज़ें आ जाएंगी जब भी आप करते रहेंगे, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए देखिए मैं फॉर और आईडी हर लेबल्स में बदली कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू उनके लेबल्स के हिसाब से। ओके ये आपको ऐसा कर लेना है। आप स्पेस ना भी छोड़े तो भी चलेगा, ऐसा कुछ हो नहीं है। बट मैं स्टार्टिंग से उनके इन बिटवीन स्पेस छोड़ रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये आ गया। ओके अब मैं आप सबको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये तो वो चीज़ें जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम एज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, सारे के सारे लेबल्स
विथ रिस्पेक्ट टू उनके इनपुट्स भी आ गए हमारे पास। ओके अब हमें अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर बी आर टैग लगा देना। ओके लास्ट में सबके ओके बी आर टैग क्या करता है, आई एम श्योर आपको पता रहेगा, ये स्पेस छोड़ेगा। ओके एक लाइन नीचे आ जाएगी, आप ये कह सकते हैं बी आर टैग लगाया तो। ओके आप ये देखना, ये देखिए सब आ गया। ओके यहाँ पर ये देखिए, अभी आप यहाँ पर देखना इसका आउटपुट आप देख लें। अभी देखिए मैंने एक बी आर लगाया, अगर मैं दो बी आर लगा देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए स्पेस आ गई। यहाँ पर भी अगर लगा के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्पेस लास्ट नेम के और मिडिल के यहाँ पर आ गई। देखिए मिडिल पे लगा देता हूँ, देखिए वापस आ गई। सो मैं सब में पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेव करके एग्जैक्ट वही चीज़ें बन रही है जो आप यहाँ पर देख रहे थे। ओके काफ़ी इजी अभी तक का। ओके तो ये आपका HTML का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, कंप्लीट प्रोजेक्ट। ओके फॉर्म का टॉपिक है ओके जो हमने लिया हुआ है, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ। अभी क्या हमारा मिसिंग है यहाँ पर, DOB चूज फाइल और ये सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, हम वन बाई वन करके इनको भी कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके ये सारे के सारे फॉर्म के ही टैग हैं। ओके देखिए ये मेरा DOB है। ओके पासवर्ड हो गया है तो यहाँ पर मैं DOB लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आपको याद रखना है फॉर और ID हमेशा सेम ही रहेंगे, वो आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ओके देन चूज फाइल, आप इनमें स्पेस ना भी दें तो भी चल जाएगा, या अगर आप इनको ऐसा कुछ लिखना चाहें आपके अंडरस्कोर करके तो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी प्रैक्टिस, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ओके उस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। देखिए ये कलर हो गया, देखिए कलर कलर ओके चलो, अभी यहाँ तक हमने कर लिया। ओके अभी देखना यहाँ पर हमने जो चीज़ें पुट करी है कैसे आ रही हैं, MUN ओके कुछ नंबर आ सकता है, परफेक्ट है। यहाँ पर भी हम कुछ लिख सकते हैं, नंबर आ सकता है। यहाँ पर भी हम लेटर्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बट बॉस यहाँ पर तो एज है, और एज में कभी भी तो अल्फाबेट आना नीचे तो क्यों आ रहा है। ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है अभी तक आपने ये जो ये इसका टाइप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। टाइप टेक्स्ट परफेक्ट है, नेम में भी टेक्स्ट, मिडिल क्लास में भी टेक्स्ट, बट यहाँ पर नंबर है, एज है ना, तो आपको यहाँ पर नंबर टाइप कर देना है सिर्फ। और देखिए अभी आप देखना सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे, कोई भी अल्फाबेट नहीं आएगा एक्सेप्ट ई के अलावा। ठीक है वो उसका अलग एंजेप्शन है। ओके या क्या देखिए ईमेल आईडी में भी आप चीज़ें पुट कर सकते हैं। ओके क्योंकि टेक्स्ट है, पासवर्ड में आप देखिए ये, बट पासवर्ड में तो छुपा हुआ आना चाहिए मुझे। ओके ये क्यों नहीं आ रहा है, अब डेट ऑफ बर्थ में तो डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है तो आप ये देखिए, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ फाइल और कलर का पहले बता देता हूँ। ओके डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट लेनी है तो आपको यहाँ पर डेट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। ओके अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फाइल तो यहाँ पर आपको फाइल से लिख रहे टाइप कर देनी है। यहाँ पर कलर है तो आपको कलर टाइप कर देना है। ये देखिए आगे सारी चीज़ें इसी की जैसी बन रही है। ओके अब देखिए अभी आपका ये पासवर्ड वाला फंडा ख़त्म नहीं हुआ है, अरे ये तो ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है इसको भी मैं आपको लास्ट से बताता हूँ। ओके इसका भी टाइप ही चेंज करना है मुझे, नो इश्यूज़, बट कुछ और भी जो मैं आपको बताऊँ, अभी रेंज आ गया और हिडन, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ मुझे इसको कॉपी कर लेना, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई एम श्योर अभी तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके okay?
ये देखिए ये हो गया, और यहाँ पर रेंज है, आपको यहाँ पर भी चीज़ें जो है रेंज में पुटअप करनी होंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी रेंज। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको रेंज जो है टाइप में रेंज जो है पुट कर देनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हिडन है, आप यहाँ पर आईडी में भी जो है हिडन जो है टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया आप जैसा चाहें लिख सकते हैं, बट आप जो चीज़ प्रेजेंट लाइक प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन पे उसको आप कैपिटल और स्मॉल जैसा चाहें लिख सकते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें जो भी टैग्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, इनपुट और सारे के सारे स्मॉल में लिखने की प्रैक्टिस रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, अब इसका हमें आउटपुट देखने कैसा आ रहा है, ये तो हम जो बनाना चाह रहे हैं और ये वो चीज़ें जो हमने बनाई हैं अभी तक। ये देखिए आप कलर भी ये देखिए ले सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ मूव करा सकते हैं। ठीक है, हमने हिडन में भी कलर रख दिया हुआ है। ठीक है, बट हिडन में हमें हिडन को ही जो है रखना होगा। ओके, ये देखिए आप कोई भी टाइप करेंगे तो हिडन, क्योंकि अभी आपको हिडन में कई बार क्वेश्चन ये क्यों है। ओके, आई एम श्योर आपने कई बार देखा होगा कई सारी चीज़ों को अगर आपको हाइड कराना है। ओके, तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेरी बेसिक चीज़ से। ओके, आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, देखो बेसिक चीज़ें से आपने कितना कुछ सीख लिया। रेंज आई एम श्योर आपने देखा होगा, प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कलर ओके, आपने देखा होगा कई बार आप कोई भी अगर वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पर क्लोथिंग या ब्रांड की या फैशन की, तो यूज़ कर सकते हो। फाइल जो अक्सर करके हमें अपलोड करनी होती है, कोई भी फाइल अपलोड करनी है, बिल्स अपलोड करनी है, इमेजेस अपलोड करनी है, अपलोड कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर आप पासवर्ड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दोबारा कि देखिए मैं चीज़ों को लिख पा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर नंबर्स ही आएंगे, यहाँ पर आप ईमेल आईडी पुट करें जो भी है। ठीक है, पासवर्ड में ये नहीं आ रहा है, डेट में ये ले लीजिए। फाइल में आप यहाँ पर कोई भी चीज़ आप पुट कर सकते हैं, आ गया। कलर में आप जो चाहें बदली कर सकते हैं, रेंज आप देख ही पा रहे हैं। अब हम पासवर्ड का देखते हैं, पासवर्ड में ये ऐसे ही क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार मैं मेरे बनाए हुए चीज़ों को एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक सा था। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ओके, वो सारी की सारी इनपुट फील्ड, ओके, लेबल्स और इनपुट फील्ड से हमने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक नेम करके भी होता है। ओके, मैं इसे पुट करूँगा, देखिए अभी ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, कोई नहीं, अगर मैंने यहाँ पर मिस आउट किया हुआ है कि तो मैं आने वाले क्लास में इसको कवर कर लूँगा। ओके, देखते हैं ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। ओके, माइट बी मैं चीज़ों को रॉन्ग कर रहा हूँ। ओके, बहुत बेसिक ही मैंने इसको पासवर्ड टाइप को पासवर्ड दिया नहीं था, टेक्स्ट ही रखा हुआ था। ओके, इसके लिए वो मुझे बार बार ये एरर थ्रो कर रहा था। ओके, देखिए लेटर जो भी आप लिख रहे हैं सारे के सारे हिडन में आएंगे। ओके, तो बहुत इजी था। आपने अभी देखा होगा कि मैं अभी जो चीज़ें कर रहा था, ठीक है, आपने देखा होगा मैंने पहले बनाया हुआ था उसे मैंने नेम करके यहाँ पर स्पेसिफाई किया, नेम नेम नेम। ठीक है, सो ये भी कुछ नहीं है, बट अगर आप नेम देखिए इनपुट आप टाइप करते हैं जो टाइप होगा वो आ जाएगा। आईडी आपको फॉर और आईडी सेम होनी चाहिए आपकी। ओके, और ये आपका नेम। ओके, ये नेम भी जो है सेम नहीं बोल सकते हैं आईडी और फॉर की तरह, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, एज वन एज टू, बट अगर आप सेम लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये अच्छी प्रैक्टिस रखें कि आप नेम फॉर आईडी और नेम ये एक ही साथ एक ही जैसा हो, बट फॉर और आईडी सेम होना चाहिए कभी भी, नेम नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें प्लेस होल्डर, आपको मैं प्लेस होल्डर का बता देता हूँ उसका इस्तेमाल क्या होता है। नेम का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है, बट मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ इसमें मैं आपको मिस कर रहा हूँ। ओके, बट कोई नहीं, आने वाले टाइम में वो भी क्लियर कर दूँगा। ओके, अभी देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए प्लेस होल्डर क्या होता है। अभी प्लेस होल्डर में ओके, अगर मुझे ये बताना है कि बॉस आप ये चीज़ें यहाँ पर लिखो, कई बार आपने देखा होगा एंटर योर ईमेल आईडी करके लिखा हुआ रहता है। ओके, एंटर योर नेम,
we? Enter your name. ये देखिए एंटर योर नेम, ये होगा प्लेस होल्डर. ओके प्लेस होल्डर वो होता है जो आप जो आप दिखाना चाहते हो यहाँ पर. ओके ये देखिए ओके. और सेम एज इट इज़ इसके ऐसे एक वैल्यू भी होता है, वो भी वही काम करता है. ओके अभी देखिए वैल्यू के अंदर भी अगर मैं कुछ चीज़ लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल मिडल नेम है, ये देखिए एंटर योर नेम. तो प्लेस होल्डर और वैल्यू में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा. ओके मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ. ओके तो प्लेस होल्डर और वैल्यू एक ही जैसे काम एक जैसे नहीं करता, वो दिखता एक जैसे है कि आपके इनपुट फील्ड में आपको वहाँ पर कुछ लिखना है, बट वैल्यू का मतलब कुछ और होता है. ठीक है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा. मैं आपको अभी सारी चीज़ें एज एन प्रोजेक्ट के हिसाब से बता दे रहा हूँ क्योंकि क्या क्या चीज़ें होती हैं. मैं नहीं चाहता कि आपको बेसिक सी चीज़ें आप देखते रहें, ठीक है बार बार आपकी प्रैक्टिस लाइक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना हो, बट अगर आप ये सारे ये इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. अभी तक ये मेरे इनपुट्स हो गए, सॉरी लेबल्स हो गए और ये मेरे इनपुट्स हो गए, और इनपुट्स में मैंने जो उसके टाइप थे, ओके टाइप में मैंने चेंजेस किए और ये सारे के सारे चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे. ओके फॉर और आईडी कभी भी सेम होगा, फॉर और आईडी हमेशा. जो मैंने नेम बताया था अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बट नेम भी आप सेम रख सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम ही रखो, कुछ भी रख सकते हो. ओके बट फॉर और आईडी हमेशा सेम ही रहना चाहिए. ओके अब ये हो गया, अब हम देखते हैं क्या बनाने वाले हैं. ओके ये देखिए, ओके ये क्या है, ये आपको एक तरह का हेडिंग है और ये इसके रेडियो बटन्स है. ओके बहुत इजी है, एज इट इज़ ये आपको करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर. ओके मैं टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ. ओके आपको इसे कॉपी करके नीचे लेके आ जाना है. ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ. शॉर्ट लार्ज और क्या मीडियम टी शर्ट के साइज है. ओके अब देखिए आपको पता होगा, मैंने पहले बताया हुआ है. ओके फॉर और आईडी सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सब कुछ सब में चेंजेस कर दे रहा हूँ. ओके और ये रहा वीडियो. ओके देखिए अभी देखिए अभी ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके एज इट इज़ अभी तक हमने देखा मुझे यहाँ पर रेडियो बटन चाहिए रहेंगे. ये देखिए मैंने सब में रेडियो बटन दे दिए, जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर भी आ जाता है वो. ओके अब आप देख सकते हैं स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं हटा देता हूँ, बट आप देखिए एक ही साथ सब देखिए. एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिया दोबारा रिफ्रेश नहीं हो रहा मैं जब तक ये ना कर दूँ. ओके बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, मुझे एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हुआ चाहिए. ओके तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बी आर निकाल देता हूँ के इनकी स्पेसिंग. ओके ओके अभी देखिए, बट मेरे इस केस में क्या है कि मेरे रेडियो बटन से पहले हैं और लेटर और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है बाद में. ओके तो कुछ भी नहीं करना है जी. ओके बहुत ही सिंपल सा है. ओके कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इन सारी चीज़ों को उठा के जो है मैं पर कुछ ट्राई कर रहा था बट एक्चुअल में हो नहीं पाया. ओके ये देखिए आपको यहाँ से कट करके इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्लेस कर देना. ये देखिए अभी देखिएगा आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट ये फॉर्म में कैसे दिख रही हैं. ये वाला फॉर्म देखिए आप. ओके जस्ट वेट अ सेकंड, ये एक्चुअल में मैंने बी आर टैग जो यहाँ पर लगा दिए थे ये इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि उसमें स्पेस पुट कर दे रहा था, लाइक लाइन ब्रेक कर दे रहा है. देखिए स्ट्रेट आगे, बट अब मुझे जो लगाना है बी आर टैग यहाँ पर लगाना पड़ेगा. ये देखिए आ गया.
प्रॉपर। ये देखिए थोड़ा सा आपको अपना लाइक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ये देखिए आ गया एग्जैक्ट जैसा हम करना चाह रहे थे। ओके अब सेलेक्ट ब्रांच, अब हम चेक बॉक्सेस बनाएंगे। ओके ये देखिए ऐसे कुछ हमारे फॉर्म पे भी नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं हमारे फॉर्म पे भी दिख जाएगा। सो इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है। ओके सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। क्या है सेलेक्ट ब्रांच, अभी यहाँ पर मैंने रेडियो बटन्स थे, यहाँ पर आपको चेक बॉक्सेस लगा देना है। ये देखिए चेक बॉक्सेस, यहाँ पर देखिए चेक बॉक्सेस, और यहाँ पर भी आके आपको चेक बॉक्सेस पुट कर देना है। देखिए अब बट इसकी जो है ये मैं हेडिंग्स जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ओके कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वो अप एंड डाउन है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया हुआ है। ओके मैं मेरे बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है मैं उसे भटका नहीं हूँ कहीं पर भी। ओके सो प्लीज़ आप भी नहीं भटकीगा। चलो इसको प्रॉपर कर लेते हैं। क्या हो गया भाई इसको, ओके कुछ ज़्यादा स्पेस आ गई थी। चलो कोई नहीं तो प्रॉपर हो गया, देख लेते हैं अपने फॉर्म में। ये देखिए आ गया। ओके आप लोग समझ में आया, बट मैंने आपको रेडियो बटन्स के वर्किंग नहीं दिखाया। आप देखिए वर्किंग देखें, देखो तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पर अब भी एक चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है नेम। मैंने बताया था मैं आपको बता दूंगा नेम, चलो अभी बता देता हूँ। देखिए देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो रेडियो बटन्स हैं ओके ये तीनों, ओके ये तीनों आपस में रेडियो बटन से आप एक साथ ले रहे हो ओके, तो आपको बताना एक कॉमन नाम भी देना पड़ेगा ओके, ताकि एट अ टाइम आप एक ही सेलेक्ट हो पाए। ओके तो आप जो है नेम, यहाँ पर अगर आप नेम देते हो, ये देखिए नेम आ गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रेडियो लिख दीजिए बस। और ये चीज़ें जो है तीनों में सिमिलर होनी चाहिए, देखिए तीनों में आपको सिमिलर पुट कर देना ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए एट अ टाइम वो लेने जब वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं ठीक है। ये देखिए आप इसी फॉर्म पे आ गए जो हमने बनाया है, तो मेरा पहले वाला ये वाला ठीक है। ये देखिए ये देखिए ओके समझ में आ गया। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा बटन बचा हुआ है, हम बटन भी देख लेते हैं। बटन में तो कुछ नहीं, सिर्फ बटन का टैग लगाना है आपको। देखिए हो गया, एक और इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आपको रीसेट कर देना है सेट। ये देखिए आ गया आपके दोनों, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप चाहें तो जावा के बाद जो है एक और बी आर टैग लगा दे, देखते हैं। हाँ थोड़ा सा नीचे आ गया, वो स्पेसिंग हो गई इन दोनों में हो गया। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, लाइन बड़ी अच्छी नहीं दिख रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ ओके, तो अल्ट और टैब, ये देखिए अल्ट और टैब से आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। ये देखिए अल्ट और जो भी स्किन आपको लेनी है टैब टैब अल्ट दबा के रखना है, टैब टैब से आपको मूव करते रहना आपका टैब, तो वो सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा फॉर्म बन के रेडी हो गया ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट HTML का प्रोजेक्ट होगा, विच आई कॉल एज अ प्रोजेक्ट, एंड द रीज़न बींग वाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पे मुझे लाइक हम लाइक एज एन ए बिगनर ओके, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कई बार चीज़ों को स्टार्ट टू एंड पढ़ते हैं बट हमें प्रॉपर सी चीज़ें आती नहीं हैं ओके। ये देखिए एग्जैक्ट आप ऐसे ही कुछ फॉर्म बनाओगे, कल को अगर आपको फॉर्म बनाना होगा आप ये सोचो ये एक कॉलेज ने आपको जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया हुआ है, नेम डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी आप बताएं, आपको लाइक कोई ड्रेस चूज़ करना है, ब्रांचेस क्या लेनी है, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं। अगर आपने मैनेज अगर HTML लगा दिया तो ये और भी ऑसम दिखेगा ओके। CSS अगर मैं लगा देता हूँ तो सॉरी ओके, तो हम आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बट ये प्रोजेक्ट बेस होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको ये टैग फिलाना ढिमका टैग ये ऐसा कुछ नहीं बताना ओके।
रियल टाइम पे करते रहेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम चीज़ों को सीख जाएंगे। ओके होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आई एम श्योर आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके या थैंक यू सो मच, नाइस डे।